हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह। और आज ईवीएस में हम कहना हम जो महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वो अदर जो ईवीएस में आपके आता है, यानी कि ईवीएस की पेडोगोजी से अदर जो चीज़ें आती हैं वो आज हम देख रहे हैं, यानी कि उसका पार्ट नेक्स्ट देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारी ईवीएस में आपकी चीज़ें क्या आती है, पारंपरिक कलाएँ और जो राज्य की कलाएँ वो आपके देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा पारंपरिक कलाएँ जो आपकी ईवीएस में आती है और वो भी सीटेट के अकॉर्डिंग, वो आज हम देखेंगे। चलिए तो ये देखते हैं पारंपरिक जो कलाएं हैं वो आपकी पूछी जाती हैं, जो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है जामदानी बुनाई। तो ये क्या है, पश्चिमी बंगाल पश्मीना शॉल, ये आपको पता है और ये यानी कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। वोटली बुनाई गुजरात, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र, एक मिनट ये नेक्स्ट इसे छोड़ दीजिए, राजस्थान वाला का पूछा नहीं जाता। चिकन की कढ़ाई पूछी जाती है, चिकन की कढ़ाई ये होता है, ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ में शॉल भी इतना है, एम्ब्रेडेड क्या नाम आपका कश्मीर में है, ये कभी कभी सिल्क, ये है आसम। पोचमपल्ली ये पूछा जाता है, तो आपका ये आपका सीटेट के अकॉर्डिंग है, तो पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश। आपको दोहरा यानी कि जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊँगा, फालतू में इतनी लंबी लिस्ट कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें यही इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए, तीन चार इम्पोर्टेंट है। एक तो पश्मीला शॉल पूछा जाता है, चिकन की कढ़ाई भी पूछा जाता है और एक पोचमपल्ली पूछा जाता है, तीन इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों लिख लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा। चांगपा ये है लद्दाख, ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, इसका पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बकरवाल आपको पता ही है कश्मीर में, और ये आपके ईवीएस की किताब में भी है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। भोटिया गोंडा ये आपसे पूछा जाता है, ये दोनों पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, सीटेट के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना करना ना पड़े, जिससे आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता रहे। चलिए संथाला ये लिख लीजिए, संथाला ये इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, संथाला ठीक है, ये पूछा गया है। फिर आगे चलते हैं, कोंडा मुंडा नागा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, खासी ये इम्पोर्टेंट है, मेघालय। चलिए आगे चलते हैं, तो ये आपके सारे जितने भी थे आपको बता दिए गए हैं, यानी और एक चीज़ और, भारत की भारत में जनजाति में सबसे बड़ी गोंडा जनजाति है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इतना सब कुछ आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको यानी कि देखो नोट्स के तो अकॉर्डिंग आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए सीटेट भाई दुनिया में कितनी सारी चीज़ें, अगर ईवीएस के तौर पर पढ़ने लगे तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, पर नहीं, हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू सीटेट पढ़ना है। नहीं तो मैं आपको देखो, आप मान लो अगर मैं इस वीडियो को बना लंबा खींचने की सोचूं तो एक एक चीज़ आपको क्या बताऊंगा, ये है ये है ये है, औरों की तरह ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, तो क्या होगा उससे, वीडियो मेरी लंबी बनेगी, लंबी बनेगी कि नहीं लंबी बनेगी, और लंबी बनेगी तो क्या होगा, मुझे कुछ फ़ायदा होगा, अब मुझे कुछ फ़ायदा होगा तो क्या होगा, मेरे कहना जो भी है वो वॉच आवर है या फिर इस तरह की चीज़ें वो बढ़ेगी, तो मुझे वो चीज़ें इतना कहना आपको परेशान देखकर वो चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सीटेट के वो मैं उतार रहा हूँ, अगर सीटेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसे बिल्कुल छोड़ दूंगा। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ है आपके इम्पोर्टेंट, इससे आपको दो से तीन नंबर का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और एक चीज़ और, ये सीटेट के साथ साथ एसएसटी में भी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य की सीमा और दूसरे राज्यों की सीमा मिलने वाला जो है ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना। कश्मीर किससे जुड़ा हुआ है, कश्मीर है हिमाचल और पंजाब से, पंजाब किससे, जे एंड के, हिमाचल राजस्थान और हरियाणा से। उत्तराखंड किससे जुड़ा है, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से। राजस्थान किससे जुड़ा है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात से। उत्तर प्रदेश देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जुड़ा, हिमाचल उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार नई दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपका। मध्य प्रदेश किससे जुड़ा है, मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, महाराष्ट्र से जुड़ा है, गुजरात से, राजस्थान से। आसाम किससे जुड़ा है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तेलंगाना किससे जुड़ा है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गोवा किससे जुड़ा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक। केरल किससे जुड़ा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश किससे जुड़ा है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। ये बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये लिस्ट आपके लिए बिल्कुल एक से दो नंबर का क्वेश्चन लेके बैठी हुई है, यानी कि एक से दो नंबर का क्वेश्चन इससे आना ही आना है। फिर आता है जो देश की सीमाएं पूछी जाती है, यानी कि देश की सीमाएं दूसरे देश की। सबसे पहले आता है हमारा जो पड़ोसी देश है, उसमें बांग्लादेश। बांग्लादेश मिज़ोरम से जुड़ा है, त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से और पश्चिम बंगाल से। चीन किससे जुड़ा है? कश्मीर से जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान किससे जुड़ा हुआ है? कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से जुड़ा हुआ है। नेपाल किससे जुड़ा हुआ है? नेपाल किससे जुड़ा है? उत्तराखंड से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। म्यांमार किससे जुड़ा? अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। भूटान किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम से जुड़ा हुआ है आपका, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। अफगानिस्तान किससे जुड़ा है? जम्मू कश्मीर से। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, बिल्कुल डिटेल में याद कर लेना, जिससे आपको क्या हो पता रहे कि कौन सा कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति में जो आता है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बता दूंगा इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो फालतू की चीज़ है। कोई कराकर, याद कराकर, रटवाकर कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको मेहनत कराओ, दिमाग में खर्च कराओ। तो सबसे पहले आता है भारत का उत्तरी विस्तार कितना है? 37°6′। भारत का ये दक्षिणी, ये पूछा जाता है तो दक्षिणी विस्तार का है 8.4°. उत्तर ये आपसे पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। पश्चिमी देशांतर पूछा जाता है 68.7। चलिए आगे चलते हैं। मानक समय पूछा जाता है, तो मानक समय आपको पता होना चाहिए, यानी कि 82.5 है, ठीक है। मानक समय देशांतर के राज्य कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आपसे पूछा जाता है 5 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो है 8। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर से पूर्व, यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका मैप है, ये मान के चलिए। देखो ड्राइंग तो मेरी भी सही नहीं है मैप के मुकाबले, भले ही मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ कभी, ये सही नहीं है। चलिए एक बार और बना के देखते हैं। ऐसे तो ये ऐसे बन के, देखो यही होता है, ठीक है। तो ये है, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी का पता कर, यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम और यूपी टेट में तो कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्थल सीमा, जल सीमा ये छोड़ दो, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है, तो इसी टेट का क्वेश्चन भी है, यानी ईजी क्वेश्चन है, 7 है, 7वां, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से पहला नंबर है। अब उत्तर, यानी कि पश्चिम भारत के उत्तर में आपको पता है नेपाल, भूटान, तिब्बत है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, दक्षिण में आपका श्रीलंका है और पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये तो आपके थे, यानी कि आज आपका पूरा का पूरा जितना भी अदर पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। कल से आपकी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी, यानी कि एनसीईआरटी देख लीजिए आप, ये आपका खंड 200 हो गया, और यहाँ से आपके क्लास 3 की एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी, यानी कि एनसीईआरटी के नोट्स शुरू हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के नोट्स भी ऐसे ही आपको करा दिए जाएंगे जिससे आपको दिमाग पर लोड ना पड़े और आप अपने नोट्स बना के रख लो। क्योंकि भैया नोट्स बनाने से ये होता है, जैसे मैं हूँ, मैंने इसमें से 10 में से आपको दो चीज़ बताई, दो चीज़ लिख ली। अब दो चीज़ लिखोगे, दो चीज़ लिखने का मतलब ये, आपने एक बार तो सुना वो हो गया, और एक बार खुद अपने हाथों से लिखा वो, दो बार याद हो गया। फिर जब तीसरी बार आप खुद देखोगे तो आपको खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ये होता है एक तीर से दो निशाने करने वाला काम, ठीक है। तो पढ़ाई में इसलिए कहते हैं कि पेन पेपर लेके बैठो, कोई भी टीचर हो, जो भी आपने देखा होगा पढ़ाने वाला जो टीचर है और सही टीचर है, वो आपको ये कहेगा बच्चों पेन पेपर लेके बैठो, पेन और एक कॉपी लेके बैठो,
इसलिए मैं कहता हूँ। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।